हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिसंबर 2023 में पंचक कब से कब तक रहेंगे और साथ ही जानेंगे इस दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में पंचक को अशुभ नक्षत्र माना गया है। पंचक काल में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर महीने में 5 ऐसे दिन आते हैं जिनका मानव जीवन पर विशेष महत्व है। दोस्तों, पंचक 5 प्रकार के होते हैं जिसमें हर महीने का पंचक अलग होता है। किसी माह के पंचक काल में शुभ कार्य करना वर्जित होता है तो किसी माह के पंचकों में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं दिसंबर 2023 में पंचक कब से कब तक हैं और इस दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आइए जान लेते हैं दिसंबर में पंचक कब से कब तक रहेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र अनुसार हर महीने में पंचक 27 दिनों के बाद आते हैं। मुख्य रूप से पंचक कुंभ और मीन राशि में होता है। हर 27 दिन बाद आने वाले पंचक के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। दोस्तों, यदि आप पंचक काल के दौरान कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, साल 2023 में दिसंबर के महीने में पंचक 17 दिसंबर रविवार को अपराह्न 3:45 से शुरू होंगे और पंचक का समापन 21 दिसंबर गुरुवार को रात 10:09 पर होगा। आइए जान लेते हैं पंचकों में कौन से कार्य वर्जित होते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पंचक काल के दौरान 5 मुख्य कार्य वर्जित बताए गए हैं। जब से पंचक शुरू हो तब से लेकर पंचक समाप्त होने तक सभी को लकड़ियों को इकट्ठा करना या खरीदना, मकान पर छत डलवाने का कार्य, पलंग या चारपाई खरीदना, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें और कुछ फल बजरंगबली को अर्पित करने के बाद ही यात्रा करनी चाहिए।